हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा, जो कि दिखने में तो आसान होती है, लेकिन अगर आपने इसका स्टफिंग और जो चटनी हम अंदर डालते हैं वो अगर डिलीशियस नहीं बनाया तो ब्रेड पकोड़ा का भी टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा के लिए हम रेडी कर लेंगे स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। इन आलू में हम ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर की जगह आप यहाँ पर चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितना आलू हमने लिया है इससे अप्रोक्सीमेटली आपका 6 से 7 ब्रेड पकौड़ा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर दिया है, स्टफिंग बना लिया है। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए आपको ग्राइंडर में मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स डालना है। साथ ही साथ हम उसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा इमली, गार्लिक, स्वाद अनुसार नमक और चीनी। थोड़ा सा पानी डालकर इनका हम पेस्ट बना लेंगे। सो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और हमारी ग्रीन चटनी बन करके तैयार है। तो अब ग्रीन चटनी को हम साइड रख देते हैं, चलते हैं बेसन की बैटर बनाने की तरफ, जिसे हम कोट करेंगे ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जितना भी आपको रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए बेसन, उतना आप ले सकते हैं, ये करीबन 1/2 कप है। फिर मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, और मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी आप फ्राइड चीज़ बनाते हैं उसमें आप अजवाइन ज़रूर डाला करें। फिर हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर का। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, इस तरह से बैटर रेडी हो गया है। इसको मैं हथेलियों में रख करके दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा उंगली कितनी अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो इतना कंसिस्टेंसी आपको अपने बैटर के लिए रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और एक ब्रेड पे आपको लगाना है आपका फेवरेट टोमेटो केचप। तो यहाँ पर वैसे मैं हॉट एंड स्वीट मैगी का टोमेटो केचप बहुत पसंद करती हूँ, और रियली इट टेस्ट अमेजिंग इन ब्रेड पकोड़ा। तो वैसे तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कौन सा केचप यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद दूसरे स्लाइस में आपको जो आपने बेहतरीन डिलीशियस चटनी बना रखी है उसे आपको इस तरह से फैला कर लगा देना है। तो एक तरफ आपको चटनी लगानी है, दूसरे ब्रेड स्लाइस पे आपको टोमेटो केचप लगाना है। फिर हम इसमें जो बनी हुई पोटैटो स्टफिंग है वो इस तरह से डालकर इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, इन दोनों स्लाइसेस को आपको आपस में इस तरह से जोड़ देना है, और उसके बाद हम इसमें जो बना हुआ हमारा बेसन का बैटर है उसमें हम इसे हम डिप करेंगे। तो इस तरह से आपको डिप करना है, इसके चारों तरफ पे आपको अच्छी तरह से बेसन का घोल लगा देना है। ध्यान रखिए कि आप इसे ज्यादा देर तक ना रखें, वरना क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका ब्रेड टूट सकता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैंने ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। तेल गर्म होने के बाद हमें इसे बहुत ही सावधानी से केयरफुली तेल में इस तरह से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, जब आपको इसके किनारे लिटिल बिट हल्के ब्राउन नजर आए, थोड़े पके हुए, तब हमें इसे केयरफुली टर्न कर लेना है और दूसरा साइड भी इसका पका लेना है। जब ये पक जाए उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हम बाहर निकाल के इसे टिश्यू पेपर में रख लेते हैं, ताकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। तो यहाँ हमारा बेहतरीन ब्रेड पकौड़ा बन करके तैयार है, रेडी टू सर्व है। गर्मा गर्म इसे मन पसंदीदार चटनी, या फिर आप इसे सॉस के साथ सर्व करें, या फिर ये ऐसे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं इसे आपको काट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पकौड़ा
जितना खाने में टेस्टी है उतना ही इसका लुक भी लाजवाब है। थोड़ा रेड दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा वाइट दिख रहा है। तो ब्रेड पकौड़ा आप भी बनाइए, अपने बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं या फिर इसे एज अ स्नैक्स भी कभी भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये चटपटी सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।